ओके गाइस, आपको अभी मेरी स्क्रीन शेयर की मैंने, आपको नज़र आ रही? जी सर। अच्छा, ये फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक है जो मैंने आपको क्लास में भी रिकमेंड किया था। तब मैंने आपको क्लास में इसका लेटेस्ट एडिशन रिकमेंड किया था। लेटेस्ट एडिशन में 13th चल रहा है इस वक्त, और अब मार्केट से इसको परचेज़ करना मुश्किल है, तो मुझे ऑनलाइन 10th एडिशन मिला है। तो ये PDF फाइल जो है वो ये ऑलमोस्ट 436 पेजेस की है। तो आई विल शेयर दिस फाइल विद द CR एंड CR विल ट्रांसफर यू टू एवरीबडी। वो जो आपका जो ग्रुप होगा, जो आपका अपना, वो उसमें उसको शेयर कर देगा। ठीक हो गया। अब इस बुक के जो कंटेंट्स हैं, ये वही कंटेंट्स हैं जो हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किए थे, जिसके लेटेस्ट एडिशंस भी थे। तो अगर आपको याद हो तो हम इसके पहले दो चैप्टर्स को हम डिस्कस कर चुके थे, और इसके साथ साथ हमने इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी डिस्कस किया था। ऐसे ही है, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि आप वो लेके आएंगे, एक जॉब एड लेके आएंगे, और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। और उसी के एंड पे फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये EEO बेसिकली होता क्या है। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो उससे एक स्टेप आगे जाएंगे, एंड वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 5। और वो चैप्टर नंबर 5 आपको मिलेगा यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। ठीक हो गया। अब ये आप यहाँ पे इसके चंद एक लर्निंग आउटकम्स हैं, ये बुक मैं आपके साथ बाद में शेयर भी कर दूंगा, और अभी आपको ये चीज़ यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको सबसे पहले इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर जब आप कोई भी एक काम करने जा रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, तो एक्चुअली व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ कि आपने एक कम्प्रिहेंसिव जॉब एनालिसिस परफॉर्म करना है, जिसकी बेस पे आप लोगों को हायर करेंगे। अब ये जो हायरिंग है और जो जॉब एनालिसिस का प्रोसेस है, इसको बेसिकली हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का नाम देते हैं। अब उस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। अब आपको उन उन लोगों को जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, उनको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। और अगर आप देखें तो सबसे पहले जो चीज़ हमें फोकस करना है वो ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जो बंदा हायर करने जा रहे हो, वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो आगे काम क्या करेगा, और वो काम जो करेगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की विजन और मिशन स्टेटमेंट के साथ किस तरह से लिंक्ड है। तो जो मिशन स्टेटमेंट है, दैट इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीज़न एंड ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन बिजनेस, कि आपका मिशन ये बताता है कि आप अगर किसी एक बिजनेस में हैं तो वो उस बिजनेस में होने का मकसद एक्चुअली क्या है। द मिशन स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द फाउंडेशन ऑन विच एवरी डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मेड, कि आपने जो भी डिसीजन लेना है वो आपके इस एक मिशन से रिलेटेड ही होगा। जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास में बात की थी, मुझे याद है, तो जो मैंने आपसे पूछा था कि एक NGOs में और NPOs में क्या डिफरेंस होता है, इसी तरह से जब भी हम बिज़नेस की डेफिनेशन की बात करेंगे, तो अल्टीमेटली जो बिज़नेस का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यू आर सपोज टू डू अ लीगल एक्टिविटी, एनी लीगल एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो आपने वो जो प्रॉफिट अर्न करने का जो मकसद है वो आपका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अगर आप इसको नॉन गवर्नमेंटल में चले जाएंगे तो वो NGOs कहलाएंगी, लेकिन वो नॉन प्रॉफिट नहीं है। जो नॉन प्रॉफिट हैं वो NPOs कहलाती हैं। तो आप जब इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन यू गो फॉर सम स्वॉट एनालिसिस। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने लास्ट टाइम जब आपने BBS किए थे तो तब आपने पढ़ी थी। स्वॉट बेसिकली चार चीज़ों का कम्बिनेशन है, जिसको स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का नाम दिया जाता है। तो थ्रेट सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स की। वो जो आप एक एनालिसिस है वो आप जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे, तो एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज इज़ नोन एज योर स्ट्रेंथ्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो उसकी बेस्ट एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, वो उसका स्ट्रेंथ होती है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी कंपनी के पास कोई एक ऐसा बिजनेस वो कर रहे हैं और उनके पास अपना कैपिटल है,
और उन्होंने बैंक से कोई एक रुपया भी नहीं लिया हुआ, तो बेसिकली उनकी वो जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो उनकी स्ट्रेंथ होगी। और इसी के ऑपोजिट अगर आपने कोई ऐसी कंपनी, आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आपका एक ऐसा बिजनेस है जो बैंक प्लेज है, जिसमें आपका एक रुपया भी नहीं है, आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ हैं, तो दैट मीन्स के फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो जिसकी जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन लैक्स और एक्टिविटीज़ इट डज़ पुअरली, तो मतलब इस चीज़ में आप वीक होते हैं। तो इसी तरह से फिर आप ये जब हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, आपने शायद पढ़ लिया होगा, पहले भी पढ़ा होगा, तो वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं, जिसमें वो एसओ स्ट्रेटजीज भी होती हैं, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिला देते हैं, आपकी WOs होती हैं, जब आप वीकनेसेस को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मिला देते हैं, तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करके अपनी वीकनेसेस को ख़त्म करना होता है। ये बिल्कुल इसी तरह से ही है, जैसे अगर मैं लेमैन की बात करूँ, अगर आप स्टूडेंट्स लेवल की बात करूँ, तो जब कोई भी एक स्टूडेंट अपना स्वॉट एनालिसिस करता है, तो उसको ये पता चलता है कि मैं रीडिंग में बहुत अच्छा हूँ, रीडिंग मेरी स्ट्रेंथ है, मैं रिटन मेरा पुअर है, रिटन मेरी वीकनेस है, तो वो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या करता है कि वो रीडिंग पे अपना टाइम कम करके, क्योंकि उसकी रीडिंग इम्प्रूवड है, तो उसका टाइम वहाँ से निकाल के वो अपनी रिटन पे ज़्यादा फोकस करता है। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं कि आपने अपनी अपना स्वॉट एनालिसिस किया कि आपको किन किन चीज़ों पे कम टाइम देना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देना है, और अल्टीमेट गोल आपका ये है कि यू शुड बी सक्सेसफुल एट द एंड ऑफ अ टाइम। फिर इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एग्जिबिट 5.1 दिया गया है, द स्ट्रेटेजिक डिसीजन ह्यूमन रिसोर्स लिंकेजेस एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम मिशन एंड एंड्स एट द पीपल। अगर आप देखें यहाँ पे, तो वो जो विजन हम या मिशन की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है कि आपने जब भी अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन पे काम करना है, तो यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम मिशन। और वो मिशन क्या है, डिटरमिनिंग व्हाट बिजनेस द ऑर्गेनाइजेशन विल बी इन। आप जो 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 बिजनेस आपका है, वो आप की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस बिजनेस में इन्वॉल्व होगी, उस मिशन को ब्रेक डाउन करेंगे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को और गोल्स को। जब आपने उनको ब्रेकअप कर लिया, तो फर्दर आप फिर आप स्ट्रेटजीज डिफाइन करेंगे कि आपने उन गोल्स को और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है। एंड देन कम्स द स्ट्रक्चर टू डिटरमिन व्हाट जॉब नीड्स टू बी डन एंड बाय हुम। अब ये वो चीज़ है जो एक्चुअली द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ HR डिपार्टमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि आपके पास एक जॉब रिक्वायरमेंट आती है, आपने उस जॉब के अगेंस्ट कौन सा बंदा कितना क्वालिफाइड किस जेंडर का आपने रिक्रूट करना है, ये उस HR की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन कम्स द पीपल। अब वो पीपल क्या है, मैचिंग स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज टू रिक्वायर्ड जॉब। अगर आपको वो इन पूल एक क्रिएट हो गया है, जिसमें आपके पास काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है, और उनमें से अब आपको वो इंडिविजुअल शॉर्टलिस्ट या सिलेक्ट करने हैं जो एक्चुअली आपकी इन इन एबिलिटीज स्किल्स और नॉलेज की बेस पे, जो अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट के साथ लिंक्ड होंगे। अगर एक बंदे के स्किल्स एबिलिटीज नॉलेज आपके ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक्स के साथ मैच नहीं करता, तो दैट मीन्स कि यू आर नॉट हायरिंग अ राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो वो जो आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये करना है कि आपको वहाँ पे इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और फिर आता है आपके पास लिंकिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फिर आप लिंक करते हैं अपने स्ट्रेटजी प्लानिंग को अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के साथ। तो ये सिंपल एक टेक्स्ट गिवन है, यहाँ पे आप इसको पढ़ लेंगे तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या इस सेशन के एंड पे भी हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, लिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी टू ह्यूमन रिसोर्स स्पेलिंग, वो करते कैसे हैं कि आपने अब अपने रिसोर्सेज को लिंक किया है। अब आप में से अगर किसी ने किसी कंपनी में काम किया हुआ है या ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहा है, तो आजकल का जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो चल रहा है, वो आपका HRIS है। अगर हम लोग इस तरह से, जिस तरह से अब क्लासेस चल रही हैं, अगर ना चल रही होती, तो प्लान यही था कि आपसे एक छोटा सा प्रोजेक्ट करवाया जाता,
जिसको हम HRIS का नाम देते, कि आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो पूछते कि वो कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, जो नॉर्मली आजकल जिसकी अक्सर आपने सुना भी होगा कि जी SAP पे काम हो रहा है, कि जी कंपनीज डिफरेंट उस पर काम कर रही हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो कंपनीज ने अपने एक ऐसे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बनाए हुए हैं जिसमें वो सारी की सारी चीज़ों को इनपुट कर रहे हैं, और फिर उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके आप जब उनकी रिपोर्टिंग करते हैं तो उन रिपोर्टिंग्स की बेस पर डिफरेंट चार्ट्स आप कैलकुलेट करते हैं, जनरेट करते हैं, और उन चार्ट्स की इंटरप्रिटेशन ही बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। जैसे ये क्या आपके पास यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, दैट इज़ रिप्लेसमेंट चार्ट, द HRM ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट इंडिकेटिंग पोजिशन दैट मे बिकम वेकेंट इन द नियर फ्यूचर एंड द इंडिविजुअल हु मे फिल द वेकेंसीज। सिंपली इसके नाम से और इसके डेफिनेशन से चीज़ें क्लियर हैं। वो जो HRIS होगा वो आपको ये बताएगा कि आपके आने वाले दिनों में या आपके कमिंग ईयर के एंड पे ये बंदा प्रमोट होके आगे चला जाएगा, या ये बंदा ये जो है वो किसी और पोजीशन के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, तो आपके पास ये पोजीशन वेकेंट हो जाएगी। उस पोजीशन को फिल करने के लिए सिस्टम आपको खुद से इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस पे काम करना शुरू कर दें। साथ में ही वो आपको ये भी बता सकता है, इतना अगर आपका स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, कि आपके पास इंटरनली कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इस पोजीशन को, इस वेकेंट पोजीशन को एक्चुअली फिल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली आपकी HRIS की ही आगे आप शूट्स हैं, इसको हम सक्सेशन प्लानिंग का नाम भी देते हैं। तो ये एक सैम्पल चार्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है। अब इसको इतना ज़्यादा जूम करके तो हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जब मैं आपके साथ PDF शेयर कर दूँगा तो यू कैन गो इन मोर डिटेल। और फिर इसी तरह से डिटरमिनिंग द डिमांड ऑफ लेबर, सबसे इम्पॉर्टेंट काम पाकिस्तान के साथ अगर इसको लिंक किया जाए तो हमारे जिस सीज़न में हमारे पास यहाँ पे अभी जो गुजर के गया है, जब हमारे पास यहाँ पे हार्वेस्टिंग सीज़न होता है तो वी फॉल शॉर्ट ऑफ द लेबर। आपकी इंडस्ट्री में आपकी जो नॉन रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर आपकी जो जिसको आप दिहाड़ी वाले जो मज़दूर हैं वो मार्केट से एकदम गायब हो जाते हैं। और वो गायब होके एक्चुअली चले कहाँ जाते हैं, एक्चुअली दे वेंट टू देयर होम टाउन्स, और वो वहाँ पे जाके उस हार्वेस्टिंग में अपने पूरे साल का सीज़न जो है वो पूरे साल के जो गंदम है वो उसके लिए वो वापस चले जाते हैं। इसको कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी हो सकता है कि आप उन लोगों को यहाँ पे उन इतने इंसेंटिव्स दे दें, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंसेंटिव्स की बात तो हो ही नहीं सकती। लेकिन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अब लोग जो मैकेनिकल हार्वेस्टर की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो टाइम कम यूज़ करते हैं, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, उसमें चोरी चकारी का इतना मसला नहीं है, और डिफरेंट लेबर्स को कंट्रोल करने का इशू नहीं है। मशीन है, आपने एक तरफ से चलाई है, दूसरी तरफ तक आप उसको काटते जाएंगे और चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। तो ये सीजनल डिमांड ऑफ लेबर जो है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी HR के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसी तरह से प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर लेबर सप्लाई, अब जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रेडिक्ट करना है आपने, अब आप जैसे आपका हार्वेस्टिंग सीजन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है और अब लेबर वापस अपनी जो लोग शहरों में काम कर रहे थे वो वहाँ पे आ चुके हैं। अब इसको अगर आप लिंक करें आप अपने करंट पेंडेमिक के साथ जो आजकल की सिनेरियो है, तो अगर मैं आपसे शेयर करूँ जो भी रिसेंट ट्वीट मैंने पढ़ा है, उसमें एमिरेट्स जो एयरलाइन है उसने कहा है कि 2023 मतलब 2023 में जाके कहीं जो है वो चीज़ें स्टेबलाइज होंगी तो हम अपने फ्लीट को 100% वापस उस पोजीशन पे ले आएंगे जहाँ पे आज से 4 या 5 माह पहले हम थे। तो अगर इतनी बड़ी एयरलाइन ये बात कर रही है तो जस्ट इमेजिन के जो छोटे छोटे कारखाने हैं, जो छोटे छोटे मार्केट्स हैं या जो छोटे कारोबार हैं वो कहाँ खड़े हैं। तो वो तो दे आर ऑल एक्चुअली इन अ ग्रे एरिया, उनको तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, और जिस तरह की प्लानिंग्स उसके पास हैं, एमिरेट्स के पास हैं, वैसी प्लानिंग्स तो हमारे लोकल बिजनेसेस में शायद किसी के पास भी नहीं है।
तो अगर वो 2023 तक का प्लान करके बैठे हुए हैं तो हमें तो शायद, तो आई हैव नो वर्ड्स कि हमें कब तक जाके जाए वो चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। बस हम लोग एज ए मुस्लिम, हमारा ये बिलीफ है, ईमान है कि हम दुआ कर सकते हैं, हम दुआ कर भी रहे हैं कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और हमारे इस मुल्क के लिए भी और इस लेबर के लिए भी जो है वो आसानियाँ हो जाएं। और यही एक वजह है कि आपने देखा भी होगा कि पाकिस्तान में जो लॉकडाउन को ओपन कर दिया गया वो इसीलिए ताकि एटलीस्ट वो लोग जो अपना जो है वो रोज़गार कमा सकते हैं इस इन बुरे हालात में भी, तो एटलीस्ट उनको ये मौका दिया जाए कि वो जो है वो अपना अपना रोज़गार एटलीस्ट चला सकें। जितना गवर्नमेंट कर सकती थी या जितना कोई एक इंडिविजुअल कर सकता था वो अपने एंड पे कर रहा है। बहुत सारे आपको फिलेंथ्रोपिस्ट भी नज़र आएंगे जो लोग नेकी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली करंट सिनेरियो में देखी जा सकती हैं। फिर इसी तरह से आपके पास यहाँ पे आता है मैचिंग लेबर डिमांड एंड सप्लाई। इस डिमांड एंड सप्लाई के मैच का मतलब ये है कि आपकी डिमांड क्या है और आपको मार्केट ऑफर क्या कर रही है। आपने सुना होगा कि जो अभी जीसी यूनिवर्सिटी ने अभी एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो उसका इनक्यूबेशन सेंटर के नाम से। वो बेसिकली इनक्यूबेशन सेंटर क्या है कि वो ये बताता ये है कि इंडिविजुअल्स जो हम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्चुअली ये मार्केट में कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड हैं, और मार्केट से वो ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपकी स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते हैं या नहीं है। जो हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो ये है कि जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली वो चीज़ें मार्केट में अप्लाई नहीं हो रही, और जो चीज़ें मार्केट में अप्लाई हो रही हैं वो एक्चुअली क्लासरूम्स में टीच नहीं की जा रही। तो इस मिसमैच का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इस थर्ड वर्ल्ड में यही होता है कि हम लोग एक ही लाइन को फॉलो कर रहे हैं कि जी बस क्लास 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 क्लास, मिड असाइनमेंट फाइनल ग्रेडिंग कर दी और आपको मार्केट में भेज दिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि अगर आप जब आप एमबीए, अब आपने बीबीए या एमबीए किए हुए हैं तो आपको मार्केट में नज़र आएगा कि वो स्टूडेंट जो आपसे आपके साथ उसने बीबीए किया था और उसने बाद में एमबीए में एडमिशन नहीं लिया और वो जॉब कर रहा है, अब उसका 2 साल का एक्सपीरियंस और आपके एमबीए का कोई आपस में कंपैरिजन नहीं है। जितनी मार्केट की नो हाउ उस बंदे को 2 साल में आ चुकी है, आपको अब अगले 2 साल और लगेंगे उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में। और इन करंट सिचुएशन तो जॉब का तो कोई सिनेरियो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। तो इन इन सारी चीज़ों को पॉइंट ऑफ व्यू से अब ऑर्गेनाइजेशंस को ये प्लान करना है कि हमने नई सोर्सिंग कहाँ से करनी है। तो नई सोर्सिंग तो इस करंट सिचुएशन में बड़ी दूर की बात है। आपने अक्सर सुना होगा, अब आप देख भी रहे हैं कि चीज़ें जो है वो बड़ी सीवियरली डाउनवर्ड जा रही हैं। लोग बजाय ये कि लोगों को रिक्रूट करें वो अपनी कॉस्ट कटिंग करके चीज़ों को जो है वो कॉस्ट को अपनी पीछे ला रहे हैं ताकि उनकी कॉस्ट कम हो। और जहाँ पे उनको लगता था कि ये बंदा थोड़ा बहुत मतलब इसको इसके अगर होने या ना होने से ऑर्गेनाइजेशन में फ़र्क नहीं पड़ रहा तो दे आर सिंपली लेटिंग गो कि जी थैंक यू वेरी मच, जब आप चले जाएं। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ स्टील मिल, अभी जो बड़ा हॉट केस चल रहा है आजकल, कि जी पिछले 5 साल से उन्होंने एक यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया और गवर्नमेंट जो है वो उनको हर माह सैलरीज पे कर रही है। अब इट वुड बी अ वेरी गुड केस स्टडी फॉर यू गाइस कि आप इसका कोई बेटर एनालिसिस या आपके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को किस तरह से जो है वो मैनेज किया जा सकता है। लेकिन प्लानर्स ये कह रहे हैं कि बजाय ये कि आप इसको आप सबको फारिग कर दें और इतना बड़ा जो यूनिट है वो आप उसको सेल आउट करें, आप इसको प्राइवेटाइज करके किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें और इसको चलाएं। खड़ी मशीन ज़्यादा नुकसानदेह है बजाय ये कि अगर आप कोई एक मशीन जो है वो अंडर परफॉर्म कर रही है, तो बजाय ये कि जहाँ पे आपने 100% लॉस पे जाना है तो अगर आप 30% पे चले जाएंगे तो बाय द पैसेज ऑफ टाइम, बाय द इम्प्रूवमेंट आप शायद उसको 100% तक ले आएँ। तो ये सारी की सारी बेसिकली आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें आती हैं।
अब यहाँ पे देखें, आपके पास एक एग्जिबिट दिया गया है जिसमें वो यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन मिशन। आप उस मिशन की बेस पे आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करते हैं। जब आपने इनको इस्टेब्लिश कर लिया, फिर आप जॉब एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। जब आप जॉब एनालिसिस परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक तो यहाँ तो आपके पास डिमांड आएगी या आप सप्लाई की बात करेंगे। अब उसका कंपैरिजन आपको ये बताएगा कि आपकी डिमांड जो है वो एक्सीड कर गई सप्लाई से या सप्लाई एक्सीड कर गई डिमांड से। और उसका आउटकम क्या होगा कि अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है आपकी रिक्वायरमेंट से तो आप लोगों को रिक्रूट करेंगे। और इन ऑपोजिट सिचुएशन कि अगर आपके पास लोग ज़्यादा हैं, आपके पास काम की डिमांड कम है, तो व्हाट यू विल डू दिस कि आप फिर रिक्रूटमेंट की तरफ चले जाएंगे, आप लोगों को फायर करना शुरू कर देंगे। ये वही सिचुएशन है जो आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि लोगों को रिक्रूटमेंट की बजाय रिक्रूटमेंट की जा रही है। और यही वजह है कि हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अब यहाँ पे फिर आपके पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस हमने क्लास में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, उसको आगे फिर एक नज़र और देख लेते हैं कि प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब्स करंटली बीइंग डन एंड द नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी दैट इंडिविजुअल नीड टू परफॉर्म द जॉब्स एडिक्वेटली। इस जॉब एनालिसिस को परफॉर्म करने के चंद एक मैथड्स हैं, जिसमें नंबर वन आपके पास ऑब्जर्वेशन मैथड है, नंबर नेक्स्ट आपके पास इंडिविजुअल इंटरव्यू मैथड है, ग्रुप इंटरव्यू मेथड है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर मेथड है, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड है। इन सारे मेथड्स को आप पढ़ लेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन को फिर हम यहाँ पे सेशन में डिस्कस करेंगे। या फिर आपके पास एंड पे एक और मेथड भी है जिसको आप डायरी मेथड भी कहते हैं। ये डायरी वही डायरी है कि आप चीज़ों को देखते हैं और चीज़ों को नोट कर लेते हैं और वो एक आप एक लॉग बुक सी बना लेते हैं जो एक लंबे अरसे तक चलती है। फिर इसी तरह से आपके पास स्ट्रक्चर्ड जॉब एनालिसिस टेक्निक्स हैं, जिसमें अब ये वो टेक्निक्स हैं जो एक्चुअली यूएस में जो है वो यूज़ हो रही हैं। तो पाकिस्तान में तो ऐसे जॉब एनालिसिस परफॉर्म किया ही नहीं जाता, अगर किया भी जाता है तो उसमें कोई ऐसे इतनी डिटेल में नहीं जाया जाता। हमारे अगर आप इसको पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिंक करें अपने लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो हमारा सीईओ, हमारा जो मैनेजर है वो ख़ुद से ही डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे इस लेवल का, इस तरह का, इतने तनख्वाह का बंदा चाहिए, उससे मैंने ये काम करवाना है। बिना कुछ लिखे, बिना कोई डॉक्यूमेंट बनाए वो स्ट्रेट अवे जो है वो वॉक इन इंटरव्यू से ही बंदे रख लेते हैं। और यही आजकल जो है वो पाकिस्तान की नॉर्मल प्रैक्टिस भी है। तो ये सारी यहाँ पे चीज़ें गिवन है। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनेयर है कि आप हर उस पोजीशन से डिफरेंट एक क्वेश्चनेयर जो है वो फिल करवाते हैं और वो क्वेश्चनेयर बेसिकली आपको फिर बताता ये है कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं। अब वो जो क्वेश्चनेयर आप फिल करवाएंगे वो आप करवाएंगे अपने डिपार्टमेंट से के इंडिविजुअल से, जो आपको एक्चुअल डाटा देंगे आपकी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके जॉब एनालिसिस का एक्चुअली पर्पज़ क्या है, और वो पर्पज़ क्या है कि यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें आपके पास ये हैं। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट जो हमने बात की थी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, जिसको हमने JD और JS के नाम से पढ़ा था, ये वही जॉब डिस्क्रिप्शन है जो आप लास्ट टाइम अपनी क्लास में लेके आए थे डिफरेंट जॉब एड्स, जहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर आपने कोई भी बंदा हायर करना है तो यू आर सपोज टू टेल हिम कि आपका जॉब टाइटल क्या होगा। फिर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाईजान आपको अगर हम रखेंगे तो आप करेंगे क्या। फिर आप उसको बताएंगे कि आप किन किन ड्यूटीज़ पे काम करेंगे और आपको क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, और स्पेसिफिकेशंस भी साथ साथ बताएंगे कि आपको अगर कोई काम करना है तो उस काम करने के लिए आपको डिफरेंट स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे। फिर आपके पास आता है यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन एज ए सेकेंड पार्ट, जिसमें वो बता रहे हैं स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग द मिनिमल एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशंस इनकम्बेंट मस्ट पोजेस टू सक्सेसफुली परफॉर्म द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ देयर जॉब्स। अब ये जो मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिफिकेशन है, अगर मैं इसको लिंक करूँ आपके MBA के एडमिशन के साथ, तो उसका सिंपल सिंपल आंसर ये है
कि अगर आपने एमबीए में एडमिशन लेना है तो आपके पास 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए। यार काइंडली आप अपने माइक जो है वो म्यूट कर लें प्लीज़ एवरीबडी। तो यहाँ पे एक आपके पास एग्जांपल ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है, आपके पास जॉब टाइटल है, आपके पास जॉब कोड है, आप डिपार्टमेंट है, आप सुपरवाइज़र हैं। तो अगर आप सुपरवाइज़र हैं तो आप कितने लोगों को सुपरवाइज़ कर रहे हैं, आप कब से आपकी ड्यूटी शुरू हो रही है, आप किसको आप रिपोर्ट करेंगे, आपकी जॉब समरी क्या है, और यहाँ पे फिर आपके पास जॉब ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको एक कंप्लीट पैकेज बताया जाता है कि जनाब आपने क्या क्या करना है। और इसी तरह से फिर आपकी जॉब स्पेसिफिकेशंस भी हैं कि आपको इस जॉब के अगेंस्ट किन नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत है, कितनी एजुकेशन की ज़रूरत है, आपके पास किस किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपको अगर किसी फिज़िकल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि अक्सर ये मार्केटिंग की जब जॉब की जाती है तो उसमें कहा जाता है जी कि बाइक आपकी अपनी होगी, अब अक्सर आपने सुना होगा, तो ये भी साथ में स्पेसिफाई किया जाता है कि अगर आपने किसी को मार्केटिंग की जॉब पे रखना है तो बाइक आप देंगे या कंपनी देगी, आपकी अपनी होगी या कंपनी देगी, तो ये भी साथ में आपको स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। और ये तब जाके जॉब एनालिसिस आपका कंप्लीट होता है जब आप जॉब इवेल्यूएशन करते हैं। और वो जॉब इवेल्यूएशन क्या है, स्पेसिफाइज द रिलेटिव वैल्यू ऑफ ईच जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि हर एक जॉब की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, अगर वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो वो जॉब कंटिन्यू रहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जी उन्होंने डाउन साइजिंग कर दी, वो डाउन साइजिंग बेसिकली जॉब एनालिसिस के बेस पे ही की जाती है। अब वो जब आप जॉब एनालिसिस कर लेते हैं तो जॉब एनालिसिस के एंड पे जब आप जॉब इवेल्यूएशन करते हैं तो फिर आपको पता ही चलता है कि एक सीट के अगेंस्ट अगर आपने 2 बंदे हायर किए हुए हैं तो फिर आप यू आर सपोज टू फायर वन ऑफ देम, तो वो फिर आपको एक फायर करना होता है। हाउ टू फायर ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, वो इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने किसी एक सीट पे 2 बंदे हायर किए हुए हैं और यू आर सपोज टू हैव वन ओनली, हमने जब एचआर की डेफिनेशन और एचआर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इज़ टू कट कॉस्ट, आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने का सोचते हैं पहले दिन से। अगर आपने डबल सैलरीड पर्सन रखे हुए हैं तो दैट मीन्स कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं। फिर यहाँ पे आपके पास आता है द मल्टी फैसेटेड नेचर ऑफ जॉब एनालिसिस, वो ये जॉब एनालिसिस का एक आपको यहाँ पे एक एग्जिबिट नज़र आ रहा है तो 5.8 के नाम से, कि आप जॉब एनालिसिस करते हैं और जॉब एनालिसिस से फिर आप जॉब डिस्क्रिप्शन पे चले जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में फिर आप जॉब स्पेसिफिकेशन में चले जाते हैं। इन सारी चीज़ों का एनालिसिस और क्रक्स ये है, आप रिक्रूटमेंट करेंगे, आप सिलेक्शन करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे, आप एम्प्लॉय ट्रेनिंग करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट के डेवलपमेंट की बात करेंगे, आप उनके करियर पाथ्स की बात कर रहे होंगे, आप उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर रहे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे आप उनको कंपनसेट कर रहे होंगे। जब आप उनको कंपनसेट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनकी सेफ्टी और हेल्थ की बात भी करेंगे। अगर आप सेफ्टी और हेल्थ की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे लेबर रिलेशंस भी आएंगे, लेबर लॉज भी आएंगे। तो इन सारी चीज़ों का जो एक सेंटर पॉइंट है वो आपका जॉब एनालिसिस ही होता है। जॉब एनालिसिस की बेस पे फिर आप जॉब डिज़ाइन करते हैं, क्लियर? जॉब डिज़ाइन, जॉब एनरिचमेंट आप परफॉर्म करते हैं। जॉब डिज़ाइन रेफर्स टू द वे द पोजिशन एंड द टास्क विद इन द पोजिशन आर ऑर्गेनाइजेशन, रेफर्स टू द वे दैट द पोजिशन एंड द टास्क विद इन द पोजिशन आर ऑर्गेनाइज्ड, इंक्लूडिंग हाउ एंड वेन द टास्क आर डन एंड फैक्टर्स दैट इफेक्ट द वर्क सच एज इन वट ऑर्डर द टास्क आर कम्प्लीटेड एंड द कंडीशन अंडर विच द टास्क आर कम्प्लीटेड। डिज़ाइन इट्सेल्फ आपके इसके नाम से कि आप अगर किसी एक पोजिशन पे काम कर रहे हैं तो उस एक पोजिशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि ताकि आप उसको मैक्सिमम फुलफिल कर सकें। इसके साथ ही लिंक्ड है इसका जॉब एनरिचमेंट भी। अब वो एनरिचमेंट क्या है, एक्सपेंडिंग जॉब कंटेंट्स
टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन। अब आप किसी भी एक इंडिविजुअल की जॉब एनरिच क्यों करेंगे, क्योंकि वो अपनी ताकि वो अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाई हो सके। अब उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। नंबर वन, स्किल वैरायटी आ जाती है, टास्क आइडेंटिटी आ जाती है, टास्क सिग्निफिकेंस आ जाती है, ऑटोनॉमी आ जाती है, आपका अपनी जॉब पे कंट्रोल होता है, फीडबैक फ्रॉम द जॉब इटसेल्फ, और आप उससे फीडबैक भी ले सकते हैं। जॉब एनालिसिस की बेस पे ही फिर आगे जाके आप अपने फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल्स भी बना सकते हैं। इसको आप पढ़ लेंगे, ये सिंपल यहाँ पे सीधी सीधी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये था बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 5। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मेरे से पहले ले ले और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। CR CR किधर है सर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास ग्रुप? नो क्वेश्चंस सर? आवर अभी वही सर, असाइनमेंट का पूछना था कि हम वो शॉर्ट फॉर्म में दे सकते हैं असाइनमेंट्स। शॉर्ट फॉर्म में मतलब अपलोड की तो है सर? वो मैं कह रहा हूँ कि वो है रिटर्न बहुत टफ हो जाती है सर लिखने, उसकी तो डेडलाइन ही 2 दिन रह गए हैं भाई। सर वो वैसे पूछ रहा हूँ मैं। नहीं वो तो अलाउ ही नहीं है सर, वो है रिटर्न तो बहुत टफ हो जाते हैं, इस वजह से पूछ रहे हैं। नहीं वो अलाउ ही नहीं है ना, सिस्टम जनरेटेड तो अलाउ ही नहीं है, आपको हाथ से लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया सर। जी नो मोर क्वेश्चंस एनीबडी? चले अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके।